ABPS News। 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनका जीवन बहुत ही महान रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में पिछले अपने राजनीति सफर में वाजपेयी जी सबसे आदर्शवाद व कृष्णांशी राजनेता थे। अटल जी जैसा नेता होना पूरे देश के लिए गर्व की बात। आज इस मुकाम पर है जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई 3 बार प्रधानमंत्री बना है तो वो अटल जी थे। अटल जी पिछले 5 दशक सांसद में सक्रिय रहे हैं, साथ ही वो इकलौते राजनेता हैं जो अलग अलग प्रदेशों से सांसद चुने गए। अटल जी भारत की आजादी से पहले राजनीति में आ गए थे और उन्होंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ आंदोलन में भी भाग लिया था और कई बार जेल यातना भी सही। अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बहुत अच्छे कवि थे जो राजनीति पर भी अपनी कविता और व्यंग से सबको आचार्य करते थे। उनकी बहुत ही रचनाएं पब्लिक भी हुई जिन्हें आज वो पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा हिंदी पे बहुत प्रेम था। अटल जी पहली बार राजनेता बने जिन्होंने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया था। अटल जी पहली बार 3 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, इसके 1 साल बाद फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार उनका सफर 1 साल का रहा। तीसरी बार अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब उनका कार्यकाल पूरे 5 साल का रहा और इस सफर को उन्होंने बहुत ही यादगार और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाया था। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, कई बार प्रधानमंत्री भी रहे और लखनऊ में बहुत काफी टाइम उन्होंने सक्रिय राजनेता के तट पर काम किया और लखनऊ में जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी का रैले है वहाँ पर आज पूरे दिन चहल वहल रही, जहाँ पर काफी लोग आते जाते रहे और अटल जी के लिए उनकी आंखें नमती रही। यहाँ पे काफी लोगों ने अपनी यादें भी अटल जी के बारे में बताई और काफी खामोशी और उदासी वहाँ के सारे कार्यकर्ताओं में रही, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और राष्ट्रीय मोर्चा महिला आयोग भी रही और जिसमें लखनऊ पार्टी कार्यालय दिनेश शर्मा जी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए और बहुत ही नमी आंखों में दिखाई पड़ी। अटल जी शरीर हमारे बीच में नहीं है, ये शब्द न केवल पीड़ादायक है बल्कि विश्वास के योग्य नहीं है। मेरा ये मानना है कि अटल जी काया के साथ में शरीर के साथ में भले ना हो, लेकिन अनंत काल तक अटल जी की विचारधारा, अटल जी के किए गए कार्य, अटल जी के बोले गए भाषण, अटल जी की लिखी हुई कविता, अटल जी के लिखे हुए लेख, एक राजनीतिक के रूप में लिए गए निर्णय, एक सेनानायक के रूप में दिए गए दिशा निर्देश अटल जी का हमेशा याद दिलाएंगे और अनंत काल तक जब भी लोग विचार करेंगे विभिन्न संदर्भों में तो अटल जी की विचारधारा उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। अटल जी एक मानव नहीं महामानव थे और अटल रूपी वटवृक्ष का साया ना मिलेगा ये किसी की सोच से बाहर है। कभी कभी अंतर्मन में प्रश्न उठता है कि अटल जी थे कौन, तो आता है वो एक लेखक थे। प्रश्न फिर वहीं पर उठता, नहीं वो तो एक कवि थे। दुलार और प्यार याद आता तो नहीं, वो तो प्रतित्व भाव वाले एक परिवार के मुखिया थे। जाति और धर्म से अलग हटकर जब वो बात करते हो लगता है वो तो कबीर पंथी विचारधारा के होंगे। तब दूसरी तरफ उठता है कि जब वो राष्ट्रभक्त से उत्पन्न कविता कहते हैं लगता है ये तो राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। कभी वो पाकिस्तान को लड़काते हैं तो लगता है कि सेनानायक आ गया है। आज विभिन्न स्वरूपों में अटल जी की विभिन्न जो यादें हैं वो निश्चित रूप में समय समय पर पथ प्रदर्शक के रूप में राह दिखाएंगी। ये कहा गया है कि हिंदू संस्कारों में कि व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि जैसे कपड़ा शरीर को बदलता है वैसे काया भी शरीर को एक छोड़ के आत्मा भी शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रविष्ट करती है। तो हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर आत्मा को शांति दे नहीं बोलते, कहते हे ईश्वर इन सदपुरुष की आत्मा को सदगति प्रदान करें। आत्मा गतिमान है, चलायमान है, एक शरीर को छोड़ती है दूसरे में प्रविष्ट करती है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि माननीय अटल जी का मार्गदर्शन शरीर के द्वारा नहीं
तो उनके भाषण शब्दों के द्वारा, उनके लेखों के द्वारा, उनके कार्यों के द्वारा, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के द्वारा सबको प्राप्त होता रहे। और अटल जी सदैव हम सब के लिए एक अभिभावक की तरह अपने विचारों में हमारे साया का कार्य करें। ईश्वर उनकी आत्मा को सदगति प्रदान करे। और मैं पूरे भारतवर्ष को नहीं कहूँगा, पूरे विश्व को, जो उनके समर्थक हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान। लखनऊ में जाना, प्रदेश में जाना और लगातार साथ रहने का सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम लोग ऐसे आते थे जिन्हें काम तो नहीं होता था, लेकिन उनके साथ बैठना, उनकी बात सुनना, ये सब उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। आज हम लोग के बीच में नहीं है, बहुत ही अफसोस है कि वो आज दो सीट से लेते हुए आज हम लोग संपूर्ण सत्ता में हैं पूरी सीट के साथ। वो हम लोग बहुत ही अफसोस है कि आज हमारे बीच में नहीं है। और जितना काम उन्होंने, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, जितना काम उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया है, ये एक जो है बहुत ही सराहनीय काम है। और वो खाली एक ही समाज के लोकप्रिय नेता नहीं थे, वो सर समाज लोकप्रिय नेता थे। जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उसका हम लोगों को बेइंतहा दुख है, तकलीफ है कि आज वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं। और हम लोगों के उनके लिए श्रद्धांजलि है और हम लोग उन्हें ज़िंदगी भर, जब तक हम लोगों की सांसें हैं, हम लोग उनको याद करते हैं। आप जिंदगी की मौत से ठन गई, हम मिलेंगे कहीं ये वादा न था, हम झुकेंगे कभी ये इरादा न था। सामने वो आकर खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। ठन गई, ठन गई, ठन गई जिंदगी की मौत से। इतने सरल स्वभाव के साथ आ रहे, एक बार चौक में तिकोनिया पार्क का उद्घाटन किया उन्होंने, उनकी कार सड़क के उस पार खड़ी थी और ट्रकों का तांता बिल्कुल निकल रहा था, तो उस समय चिकोटी होती नहीं थी। तो वो खुद अपने हाथ से ट्रक वालों से कह रहे थे, अरे भाई ट्रक वालों, मुझे जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे। और लगभग एक घंटे तक उनको इंतजार पड़ा, करना पड़ा अपनी कार तक जाने का। और इतने साधारण व्यक्तित्व के धनी थे वो कि प्रत्येक कार्यकर्ता का नाम वो ऐसे जानते थे जैसे नाम उन्हीं ने रखा हो। और लखनऊ के प्रत्येक कार्यकर्ता से उनका इतना जुड़ाव था, इतना जुड़ाव था कि आज लगता है जैसे लखनऊ बेसहारा हो गया। लखनऊ के कार्यकर्ताओं की जो पिता तुल्य व्यक्तित्व था वो, उसका साया उठ गया हो, इसलिए लखनऊ के सारे कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। और मैं समझता हूँ कि इस दुख का कोई अंत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व जाने के बाद अब ये साया दोबारा कोई इतना बड़ा नेता लखनऊ में पता पैदा नहीं होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी के जैसे व्यक्तित्व का।